मुनीष जी। जोहार भैया, क्या हाल चाल मुनीष? देखिए ठीक है भैया, कौन डाल ले यार, लॉकडाउन में जिया था नमन। अब वो तो रहते कर ही और रहना जरूरी हलो है, जैन ढंग के पूरा माहौल अब बितिया है तो सुरक्षित रहे बार मनीष सब ले बने बात है लॉकडाउन में रहना। बिल्कुल, तो कैसे हक खा बरबर दिखता जी? मैं समझ गया, आप ये बात ले जरूर पूछते हो मुझसे, काबर की अभी नमक के जो बात चलत है ना, जरूर होकर नजर आपने नमक के बारे में जो सोचा था ना, आप जरूर सोचा था कि मैं नमक ले लेंगे ना। तो चरम लिखा है तन नून के चक्कर में पड़े हैं। ये नून घलो है मनीष, बड़ा मजेदार चीज है। बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। थोको ज्यादा होते तब विपद और थोको कम होते तब विपद। बिल्कुल, कई ठन तो ऐसा मामला आ गया है कि नमक में ये साग में तो तलाक और नून ज्यादा हो गए तो कतल। सही बात। तो मनीष ये बाजार हाथ पे देखिए बहुत भारी दाम में नमक का बिचावत है। बिल्कुल, अभी कई जगह से खबर आया भैया, छत्तीसगढ़ में ही बालोद है, तो अभी आज राजिम के बाद उनसे जहाँ ऐसे खबर आ रही है इसकी, लोगन शिकायत करें कि नमक ज़्यादा रेट में बिका था, सुबह से लाइन लगा था। ऑल्सन हुआ था ये अफवाह के कारण ही है उपाय। तो जबकि सरकार आज अखबार में पढ़े हुए हैं कि भारी मात्रा में जो नमक है वो आए है, फिर रेख में पड़े हुए उतरने वाला है। तो ये सब चीज़ मोर ख्याल से इसे लगते हैं कि व्यवसाय करैया मन जो हैं, मतलब जो ये तरह के व्यवसाय करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं, ये ओखर मन के कारण सोच बोलना जन दो नंबर ही काम करते करते थे। सही पकड़े भैया, तो एक मुताबिक तो ऐसा हो गए कि कौवा ले गए कान ल, तो लोगन अपन कान ल देखे के बदले वो कौवा पाछू भागत है। बिल्कुल, जनता के बीच में यही बात है, वो तो कहू ल मतलब माने के लिए तैयार नहीं है ना, वो पता करे के लिए तैयार है कि वस्तु स्थिति का है। वो तो कोनो आके पता ही सोलह कम हो के नमक नहीं मिलाते बाजार में तोड़ जाते, वैसे एक मानव प्रवृत्ति भी हरे है। तो पेपर में रोज छपिएगा कि 200-250 दुकान में छापा हुआ पड़े हैं। बिल्कुल, छापा भी पड़े हैं और लोगन हाँ वो छापा डाले के बाद जो कार्रवाई हुए, जो चलान किए गए, ओकर स्लिप लतको डाले हैं सोशल मीडिया में, ऐसे द्रुप के एक दो जगह मैं खुद देखे हूँ सोशल मीडिया में, तो वो सब पूरा जो है थोड़ा लोगन ने एक्सपोज भी करा थे ताकि वो कोई मत करे। मनीष ऐसे है कि अच्छा मोला ये बताओ, आप गे रहे हो कोई नमक लेके? अब देख मनीष, अब मैं नहीं जाऊँ, लेकिन मन चल लेते हैं वही मन लाते हैं, अब बाजार जाए टाइम हमारा खत्म हो गए है। लेकिन मोला सुनता आते मोर बचपन पे महू लईकोरी में महू रहे, ऐसे नहीं है कि मैं ठाड़ एकदम बुढ़ात गई हूँ, किसन नहीं है। नहीं भैया, आप जवान हो बिल्कुल अभी। हाँ मनीष, तो हम कम्फर्ट बात करता भैया, हमारे यहाँ जो बुढ़ात काल का कहते हैं देकर कमर है झुक जाए, आप तो बिल्कुल 90 डिग्री में खड़े हो, ऐसे कैसे सोचते हो आप? चल भगवान तो इसने सदबुद्धि देवाए तो मुँह भी सक्कर रहे। तो मैं बता रहा हूँ मिस कि हमारे समय मतलब बहुत बढ़िया सुरता है, 2 पैसा नून तो मैं खुद लाए। बिल्कुल सही बात, और मोटा नून भी खाते और खड़ा नून कहाँ बोला, तो हमार मोहल्ला भी से जन टिकट यहाँ लाना और लान के उसने वो दूनी उनी में रखाए रहे। आजकल तो वो डब्बा उब्बा बंद बंद करके रखे, तो हमारे समय तो ये कोई चलन रेवे नहीं करे रही, और हम तो जानते नहीं रहे कि आयोडाइज का होते है, आयोडीन का होते है, बाद में पढ़े मिली से भाई कि आयोडीन वाले नमक खाओ नहीं घेघा हो यही करके। तो वो 2 पैसा का नमक है आज 20 रुपये किलो में हो गए, और तय खा था 100-100 रुपये किलो बेचा है नमक है। बिल्कुल बेचा है, बेचा है। तो मोर कहना ये है मनीष जी कि आप सब काल है लोगन अंते तंते फंसे हैं, 17 तारीख तक तो लॉकडाउन के चलते छे, और फिर कल प्रधानमंत्री जी कही ने कि आगे खोलो लॉकडाउन रही, लेकिन वो नवा रूप स्वरूप में आई, तो मतलब ये है कि माहौल थोड़ा सरलता हो जाएगी,
लेकिन लॉकडाउन तो होबे करी। बिल्कुल ऐसा समय में जिन मुनाफाखोरी करत है तेन गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। और आप एक चीज़ और बताऊँ मैं कि नमक के अलावा बहुत सारा ऐसे जो जरूरी जींस जन या फिर पान गुट का खवैया था हमारे खदीता हो गया मनीष का। और एक हर मन के जो सामान है एक हर मन के जो सामग्री है वो कुल है मन डबल से ज़्यादा रेट में बेचा था। और वो गुलाखू से 100-200 रुपये में गुलाखू बेचाते जी। बिल्कुल वो पान मसाला जो है 10 रुपये के 20 रुपये में बेचाते। अब वो खवैया गए और जिन बेचत हैं तेन मन उत्तर धोरा कमाते हैं। बिल्कुल तो मोर ये कहना है मनीष कि जैसे ये पान दुकान वाले हैं चाय दुकान वाले हैं अभी गर्मी टाइम है गन्ना रस के सीजन है यार और वो ठेला में कुल्फी मलाई बेचते हैं तेन है तो इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार ला केंद्र सरकार ला और हमारे राज्य सरकार ला कुछ सोचना चाहिए। यहूँ मतलब कुछ थोड़ा बहुत रियायत छूट मिले काबर एमन छोटे धंधा वाले हैं और एमन ये धंधा के अलावा कोई दूसरा धंधा कर ही नहीं सके। हाँ अब वो मोची छे बिल्कुल बिल्कुल ये जो छोटे जैसा काम है ये जो चाय और पान के जो धंधा वाले मन है ये मन तो मतलब ऐसे लगते कि आभास हो गए कि हमारे बहुत दिन तक बंद रखे। हाँ हाँ ये अच्छा बात है। तो कई जन मन तो सब्जी भाजी बेचे में लग गए लेकिन सरकार ला एकर मन के लिए भी एक नियम बना के कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल काबर की यू मन जीवन यापन करना है। ठीक कहा और जिन एक धंधा पकड़ लेते हैं बाद दूसरा धंधा हाँ हाँ पकड़ना होगा मुश्किल होते हैं। लेकिन ये बीच में आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ बता दूँ कि जो नमक के बात बताते रहे हो आप गड़ा नमक। हाँ अब ये बता दो मुला कि गड़ा नमक यदि घर में है आप लोग इमली खाना है नमक लगा के तो लाटा बात नहीं, नहीं लाटा नहीं लाटा के बात नहीं बोला तो जैसे जाम खाना है तो कैसे खाते रहे हो तो हमारो अब जाम खाना रही मनीष तो नमक लगा के नमक मिर्ची अपन मिला के हम कुछ लेते रहे। हाँ वो पथरा पड़े रहे रद्दा में तेले धो लेते रहे वही कुचर लेते रहे नमक ला कुचर के नमक ला कुचर के लाल कड़ा मिर्चा ला कुचर के बड़ा स्वादिष्ट लगा थी बहुत स्वादिष्ट लगा भाई। और जिसे नमक के बाद चला था मनीष तो मुझे लगते हो खर स्वाद आप लात है लाटक नाम ले मूंग पानी तो आप ही कही कैसे पी के ठीक बात है। तो लाटक चीजें इसने भाई हाँ मूंग पानी आ गए थे बिल्कुल बिल्कुल तो वो दांत खट्टा हो जाते थे कोई नहीं खावन नहीं खात बने लेकिन फिर बेंद्रा गुलान बाटी खाने नहीं छोड़े रही सही बात है। तो नमक है मनीष वफादारी प्रति घरों माने जाते भाई बिल्कुल ठीक है ना कि मैं नमक हलाली नहीं कर सका दोनों बेईमानी करी तो कितने नमक हराम हो गए तो ऐसा नमक है वो हलाल और नमक हराम दोनों नाम से पिक्चर बन दोनों नाम से सिनेमा बने हैं। और वो एक ठन सोले पिक्चर हमारे जमाने में आ रही से तेमा वो धर्मेंद्र के ठंडाने रही से कोई टांगे वाली जब रूट जाती है तो और भी नमकीन हो जाती है। अच्छा हीरोइन मतलब भी नमकीन अब बताइए ठन नमक है कौन कौन जगह जाते रही थे वो साग में घरों जाते और कहा हीरोइन घरों का नमकीन हो जाते वही नमक है नमक हराम हो जाते और नमक हलाल हो जाते। तो ले मनीष जी अब मेरा पूर गए आप लोग पेज लगा हाँ मतलब पेज घरों लगाना है जोहार मनीष जी जय जोहार।